નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ નવ વિષય અંદર પ્રકરણ બે જે છે ન્યાય મંત્રી એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ તો વિડીયોને મિત્રો તમારે સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાના છે અને મિત્રો જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ વિશે જણાવી દઉં

पहलो कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया तो शिशुपाल ने अपने घर का शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर करका घर का दरवाज़ा खोल दिया जैसे कि शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे तो शिशु शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने की अवसर में तलाश के थे तीजो न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे तो न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस ना करे चौथो परदेशी कौन था उसने दूसरे दिन क्या किया तो परदेशी सम्राट अशोक था उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा राज क्यों दी तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राजमुद्रा दी छठों है कि राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई तो शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी किसी को कोई भय न रहा ऐसी परिस्थितियाँ बदल गई सातवा चाहे पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति शिशु कैसी हो गई तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की शिशु नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए आठवा कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया તો અપરાધી કા પતા ચલને પર શિશુપાલને સમ્રાટ અશોક કો ગિરફતાર કા આદેશ દિયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ નવના બીજા વિષયના પણ સ્વાધ્ય સોલ્યુશનો અમારી ચેનલ ઉપર કરેલા છે જે તમામ વિડીયોની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર જોવા મળી જશે તો ત્યાં જઈને તમે તમામ વિડીયો જોઈ શકો છો હવે જોઈએ બીજો કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે વિસ્તારપૂર્વક ઉત્તર દીજે પહેલો છે સમ્રાટ અશોકને ન્યાય મંત્રી કી ખોજ કહેશે કે तो राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की ज़रूरत थी तो सम्राट अशोक ने परदेशी का वेश धारण किया अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे जो तो न्याय प्रेमी था शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिल मिला था सम्राट अशोक ने उसे अवर, अवसर दिया उन्होंने हत्या की आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की બીજો પ્રશ્ન છે કે સમ્રાટ અશોકને ન્યાય મંત્રી કા પદ દેતી હુએ શિશુપાલ કો ક્યા દિયા તેના પર મિત્રો સ્વાધ પ્રશ્નોનો જવાબ આપેલો છે જે તમે વિડિયો સ્ટોપ કરીને લખી શકો છો ત્રીજો છે કે સમ્રાટ અશોક ક્યો ગદગદ હો ગયે તો સમ્રાટ અશોકને દેખા કે ન્યાયિક કસોટી પર ખરા ઉતરા થા શિશુપાલ ખુદ સમ્રાટ અશોક કો અપરાધી બનાકર મૃત્યુદંડ દેને કી ઘોષણા કી दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई अपने अधभ्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए है कि न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की तो सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है न्यायमंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकावाया था इस तरह न्यायमंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की नेक्स्ट आगे बदीस पांचवो वो कि न्यायमंत्री निरंतर क्यों हो गए तो एना मित्रों संपूर्ण जवाब आप वीडियो स्टॉप कर लखी सको तो नेक्स्ट हमें आगे बदीसूँ कि निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों पहलो यह मेरा सौभाग्य है तो यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था विजोष के दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है तो यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहते हैं क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है नेक्स्ट आगे बदीसूँ तीजों के ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा तो यह विधान शिशुपाल परदेसी युवक से कहता है क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है चौथों तो तुम अपराध स्वीकार करते हो तो शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी पाँचवा महाराज यह राज मुद्रा वापस ले ले मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा तो यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं क्योंकि उसे लगता है કે વ્યાય મંત્રીની જિમ્મેદારી નહીં સંભાળ પાઈ ગા ને મિત્રો ધોરણ નવના અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ તમે જોડાવાનું ભૂલતા નહીં તે મિત્રો વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક તમને આ વીડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે તો ત્યાં જઈને તમે જોડાઈ શકો છો ચોથો છે વિરોધી શબ્દ દીજીએ પરદેશી તો થશે સ્વદેશી આદર તો અનાદાર અપરાધી તો નિરપરાધી સુપ્રબંધ તો કૃપ્રબંધ ગિરફતાર તો મુક્તિ સ્વીકાર તો અસ્વીકાર पाँचमो सी शब्द दीजिए अतिथि तो थे मेहमान सुगम तो से सरल कठिन तो मुश्किल हैरान तो चकित निस्तब्धता शांति निरंतर तो थे खामोश नेक्स्ट है सोचकर बताइए आप न्यायमंत्री होते तो क्या करते तो मित्रों तेरी रीते आना प्रश्नों जवाब लखवा अमरी रीते प्रश्नों जवाब लखेला है बीजो तो कि सम्राट अशोक की आँख किस कारण खुल गई तो क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं तीजोष है ती कि शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्या प्रशंसा की तो क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की सातवा न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राज मुद्रा दी इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણું ધોરણ નવ વિષય હિન્દીનું પ્રકરણ બે જે છે ન્યાય મંત્રી એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરજો ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને જજો મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત